हेलो बच्चों मैं हूं अंकिता और आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू तो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने ई एम में ये आपने पढ़ा होगा यू इज इक्वल टू यूपी लेकिन आपने इसका बुक में कहीं भी प्रूफ नहीं देखा कि इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स uh, थे कि ये कैसे इक्वल है तो आज देखते हैं इसको इक्वल करके कि कैसे ये हमारे पास इक्वल आता है यू की वैल्यू और यू बी की वैल्यू हम पुट करेंगे एंड देन ये दोनों विकम दैट विकम द इक्वल देखते हैं कैसे अगर आपने यू की वैल्यू नहीं पता कैसे निकालते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा सेम एज इट इज इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा अब वहां जाकर के ये वीडियोस देख सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो तो बेटा हमारे पास यू की वैल्यू कितनी रहती है यू इक्वल्स टू हाफ एप्सल नॉट ई आर एम एस का स्केयर राइट ई आर एम एस पता है हमें क्या होता है रूट मीन स्केयर तो ई आर एम एस की वैल्यू होती है ई नॉट बाय अंडर रूट टू अब यहां पे यू कितना आ गया हमारे पास हाफ एप्सल नॉट राइट हाफ एप्सल आरएमएस आर एम एस की वैल्यू कितनी थी ई नोट ओवर अंडर रूट टू का स्केयर बेटा यहां से अगर हम स्केयर को ओपन करते हैं तो मेरे पास आएगा ई e नोट का स्केयर ओवर ये टू का अंडर रूट टू का स्केयर से कट जाएगा आपके पास ये कट गया तो यू विल गेट हाफ एप्सल ई नोट स्केयर डिवाइड बाई टू तो ये टू टू डॉ फोर यू ई इक्वल टू वन बाई फोर एप्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन आ गई अब देन हमें एक चीज बताया कि यू बी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास बी नॉट स्केयर ओवर फोर म्यू नोट अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता कैसे आई तो आप लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसको देख लेना अब आपको इतना पता है सी की वैल्यू कितनी होती है ई नोट बाय बी नोट राइट यहां से हमारे पास ई नोट कितना आ जाएगा सी बी नोट राइट या फिर ऐसे लिख सकते हैं ई नोट इक्वल्स टू बी नोट सी राइट अब क्या करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे ये ई नोट जो है ये जो ई नोट की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन वन सो हमारे पास यू ई e की वैल्यू कितनी आई यू ई इज़ इक्वल टू वन बाई फोर एप्सल नोट ई नोट स्केयर मतलब बी नोट सी का दोनों का स्केयर क्योंकि ई e नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है बी नोट सी तो इन दोनों का स्केयर होगा सो देन यू ई इक्वल्स टू वन बाय फोर एप्सल नोट बी नोट स्केयर सी स्केयर राइट right. अब क्या करेंगे हमें इतना पता है सी की क्या वैल्यू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट ई एम वेव में हमने पढ़ा है सी इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट म्यू नोट नॉट अगर हम सी का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आएगा म्यू एप्सन नॉट क्योंकि इसका अंडर रूट चला जाएगा यहां से सो so, मेरे पास यहां पे सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई यहां पुट करते हैं यू इजिकल्स टू वन बाई फोर एप्सल नोट बी नोट स्केर सी का स्केयर का मतलब दिस वन वन बाय म्यू नोट एप्सल नोट एप्सल नोट बेटा एप्सल नोट कैंसल यू ई कितना रह गया हमारे पास वन बाय फोर बी नोट स्केर म्यू नोट अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये सिमिलर वैल्यू नहीं लग रही तो यू ई इज इक्व टू इक्वल आ गया यू बी के इक्वल हैंस इट इज प्रूव्ड आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा अगर और भी आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल